अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। तो आप सबको मेरी तरफ से दूसरा ईद मुबारक। दूसरा मतलब क्या, दूसरा दिन, ईद का दूसरा दिन है। तो आज बड़ी बात ये थी, पता क्या हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दूसरे दिन जो ना कफिल ने मुझे फ़ोन किया और कह रहे हमें जाना है एयरपोर्ट पे। तो मैंने बोला तो सही है, मैं गाड़ी स्टार्ट करके जैसे गए उसके पास, तो जो शगाले थे, नौकर जो थे, खदामा, वो बैग वैग निकाल के गाड़ी में रखे। गाड़ी में रखने के बाद जो है ना, छोटी बच्ची के हाथ में जो ना मैडम ने इसको दो नोट दिए थे 500 रियाल के। ये रहे दो नोट दिए थे 500 रियाल के, कि ये अजब को दे देना, यानी कि अपने ड्राइवर को दे देना। दूसरे दिन है ईद का। सो यार अब मैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खुश रहें। असल आज बात ये हुई कि बॉस ने मुझे फ़ोन किया कि आपको जो ना सुबह सुबह जो ना आपको आना पड़ेगा। तो मैं मुझसे ये जैसे मैं गया घर के पास, तो और जो नौकरानी होती है खदामा, वो निकल आया बाहर पैक लेके निकल आया। मुझे बताया नहीं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताया, बताते नहीं है ना ये लोग, अब नहीं बताते ड्राइवर को कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे। तो जैसे वो लोग बैठे गाड़ी के अंदर, तो मैंने छोटी बच्ची से पूछा कि कहाँ जाते हो, तो जा रहे हो, तो बोल रहे रियाज जा रहे हैं। तो उसके बच्ची में, उसके बच्ची के जो हाथ में ना दो नोट दिए हुए थे मैडम ने, उसको दो नोट दिए थे 500 रियाल के, कि जाके ड्राइवर को दे देना पैसे। वो पैसे अपने पास रख दिया, लेकिन नहीं दे रहा था मेरे को। तो मैडम जैसे आई, उसने बोला आपने इसको पैसे दिए, उसने बोला मैं एक नोट दूंगा, दूसरा नोट नहीं दूंगा। उसने बोला दे दो, ये उसके ईदी के पैसे हैं, ये इसके गिफ्ट है, या जब का गिफ्ट है, ड्राइवर को दे दो उसे। तो बच्ची रो रही है कि नहीं मेरे को जो ना एक नोट देना है बस, दूसरा नोट मैं नहीं दूंगी। छोटी बच्ची थी, बड़ी प्यारी, बड़ी क्यूट है। तो फिर जो ना 500 रियाल उसने दिए, मैडम ने उससे लाके दिए, ज़बरदस्ती लेके दिए ये नोट। फिर जैसे मैं उसको एयरपोर्ट छोड़ा, तो उतरने लगी, तो मैडम ने उससे 500 रियाल दोबारा निकाल के उससे हाथ से ले लिए और मेरे को दे दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह मैडम ने 1000 ईदी दी, 1000 ईद के दूसरे दिन। मैंने सोचा, मैंने बोला यार इसने तो ईदी नहीं दी, लेकिन दूसरे दिन दे दी। तो अल्लाह ताला खुश रखे, इतना याद किया हमारे को, तो बहुत पैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारे लिए। और अब छुट्टी हो गई, अभी तो काम नहीं है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो आराम से बैठे रहेंगे, क्योंकि चले गए रियाद, अभी इंजॉय करेंगे, दोस्तों के पास जाएंगे, भाइयों के पास जाएंगे, घूमेंगे, पार्क में जाएंगे, हम आपको वीडियो बना के सिखाएंगे इंशाल्लाह। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि मैं नया चैनल बनाया, इसमें कोई फ्रेंड ही नहीं मेरा कोई, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, शुक्रिया। तो अभी निकलते हैं अपने घर की तरफ। एयरपोर्ट से जब आया तो मैंने गाड़ी रेस्टोरेंट पे लगाई, मैंने बोला चलो चाय वाय पी लेंगे, थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर लेंगे, क्योंकि सुबह जो ना मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था। तो अल्लाह भला करे। तो यहाँ पे एक केरला रेस्टोरेंट है, केरला का जो फूड होता है ना बड़ा ज़बरदस्त होता है, इंडियन फूड होते हैं केरला, तो उसका चाय बड़ा ज़बरदस्त होता है, पराठे इसके बड़े चाट होते हैं। तो मैंने बोला चलो ये लेते हैं। तो अल्लाह भला करे, ये जो ना हमने चाय लिया और उसको भी पियेंगे इंशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और देखें आज थोड़ा थोड़ा रश है लाजमी है, क्योंकि ईद का दूसरी कंट्रियों में, मतलब आज ये कि इंडिया में खाल पहला दिन होगा ईद का। और बहरहाल बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह कि यार मना नहीं किया मेरे को मैडम ने कि आपको हम लोग जा रहे हैं रियाद, तो आपको ऐसे नहीं कि आपको आपने गाड़ी खड़ी करके आपने कहीं जाना नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने बोला आपको कहीं जाना है, आप जा सकते हैं 3 दिन तक आप जा सकते हैं, 3 दिन के बाद हम आएंगे आपको फ़ोन करके, आप हमें एयरपोर्ट पर रिसीव करके आ जाना है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त VIP, क्योंकि उस ड्राइवर में तो छुट्टी नहीं होते हैं यार, छुट्टी देते ही नहीं लोग, अगर देते भी हैं तो बहुत मुश्किल से एक महीने में एक दिन छुट्टी देते हैं। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सलामत रखे, और आपके आजू बाजू में कोई ऐसा मस्किन हो, ऐसा आदमी हो जो उसका लाजमी पूछा करें, कोई रिश्तेदार हो लाजमी पूछा करें कि यार उसका उसके वो तो खुश है या नहीं है, उसको जो ना पूछो, क्योंकि बहुत बुरा हाल चल रहा है हर जगह में। तो अल्लाह ताला सब पे रहम करे, आमीन सुम आमीन। और यार हमारा ब्लॉग जो ना इसको लाइक लाजमी करे, सब्सक्राइब करे यार। मैं तो पहली वीडियो में नहीं बता रहा, लेकिन अभी बता रहा हूँ लोगों को कि यार लोग सब्सक्राइब करें तो अच्छी बात है। देखो रोड अभी भी बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
जबरदस्त जबरदस्त, कितना प्यारा लग रहा है। अब एक दोस्त को फोन किया, वो बोला मैं आ रहा हूँ आपके पास, तो वो आएगा उम्रे करके, इधर ही आएगा इंशाल्लाह। तो मैंने बोला चलो तो आ जा, कोई चिकन मिकन बिरयानी बनाएंगे, टेंशन नहीं, तो आ जा बस। तो ये आ गए अपने घर पे, पहुंच गए इंशाल्लाह। अब इधर गाड़ी खड़ी की, सही है, ये सामने गैरेज है। ये चाबी उठाई, चाबी उठाई गैरेज की, इसको जीरो कर दो, सही है। अब अल्लाह बार कर इधर से बटन दबाया, ये गैरेज खुला, और वहां पे टार्जन खड़ी हुई, देखो व्हाइट टार्जन, ये है टार्जन। ये है टार्जन खड़ी है, टार्जन बाबा टार्जन। इसको जो ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कपिल से बोल के इस गाड़ी की चाबी लेके इस पे मैं राउंड लगाऊंगा इंशाल्लाह। इस गाड़ी पे मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रोड लगाऊंगा इंशाल्लाह, अनकरीब अनकरीब इंशाल्लाह, दुआ करें। क्योंकि मेरा पसंदीदा गाड़ी है, बहुत पसंद है मेरे को ये गाड़ी, बॉर्च बॉर्च गाड़ी है, बॉर्च देखें माशाल्लाह, इसे कहते हैं गाड़ी। अल्लाह ताला सबको दे ऐसी गाड़ियाँ, बोल अमीन अमीन, बोले अमीन। देखो टायर देखे से, इसके टायर नंबर देख 19। ये तो बड़ी है, फालतू है, इसको कोई यूज़ नहीं करते, कोई यूज़ नहीं करते उसे। तो ये हमारी गाड़ी, ये फिंगर नज़दीक हो गया, चाबी लगा के ये लॉक हो जाएगा, चाबी की जगह अभी लॉक ही नहीं हो रहा, पता चल गया नहीं, वीडियो दिखा रहा है नहीं हो रहा। तो ये देखें, ये टच है, फिर टच करना है, देखें दोबारा टच करने पर माशाल्लाह, सही है। और इसके अंदर कैमरे देखे, कैमरे मैं दिखाता हूँ, कैमरा इसका, ये कैमरे ले गए मैं, कैमरे देखे, ये कैमरा लगाया हुआ है अंदर साइड, ऐसे कैमरा लगाया हुआ है, देखे दो कैमरे सामने लगे हैं, सही है। और बैक कैमरा तो लगा हुआ है, वो तो लगा होता है, सही है। अल्लाह वाला करे एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है, दिख रहा है, ऐसे लेफ्ट साइड लगा हुआ है। और पता नहीं अजीब टाइप की गाड़ी, हर चीज़ में कैमरा कैमरा है। और ये गाड़ी देखे माशाल्लाह, लुक देखे इस गाड़ी का माशाल्लाह, गाड़ी इसको कहते हैं गाड़ी बाबा, पोर्च है पोर्च। तो मुझे बहुत पसंद है गाड़ी, इंशाल्लाह कपिल से बोलूँगा इंशाल्लाह इसकी चाबी देना, मैं ट्राई लगाऊंगा, क्योंकि कपिल मेरे को मन नहीं करेगा इंशाल्लाह। और ये वो यूज़ भी नहीं करते, फ्राइडे फ्राइडे यूज़ करते, और बाकी कड़ी रहती है। और ये दूसरी गाड़ी कड़ी है जीएमसी, ये खड़ी रहती है, इस पर कोई काम ही नहीं करता क्योंकि बहुत दिन से खड़ा हुआ, मेरे ख्याल बैटरी भी इसकी होगी होगा, ख़त्म हो गया होगा। चलो अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ, यहाँ पे चाबी उठा ली, हाँ ये बटन दबाया, गेट नीचे आया, निकलाओ, देखिए बन हो गया, ये देखे नज़ारा देखे माशाल्लाह कितना प्यारा है। और ये अपने घर, अपने घर की तरफ रवा दवा ये आप पहुँच गए। अब बात ये कि ये बिल्ली ने 3 बच्चे दिए और उसकी माँ जो ना भाग गई है, तो बच्चे को जो ना ये कि बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं उसको दूध वूध ला के देता हूँ, लेकिन वो पीते ही नहीं क्योंकि वो छोटे हैं ना बेचारे। तो देख कितनी प्यारी घास वगैरह है, मैं चेक करता हूँ बिल्ली के बच्चे किधर है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ बैठे हुए थे लेकिन नहीं है,
चलो फिर किसी टाइम दिखा देता हूँ। तो ये है भाई साहब, ये हमारा ब्लॉग है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें भाई साहब सही है। और ये हमारा छोटा ब्लॉग है और अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दूसरा दिन है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और देख कितने प्यारा है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे दिन तीसरे दिन इंशाल्लाह मैं ये गाड़ी लूँगा वाइट वाली जो आपको दिखाया, वो मैं उसकी आपके ऊपर उसकी वीडियो दिखाऊँगा इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।